अभिषेक, जो सबसे ज्यादा जरूरी है ना, वो अपने इन वाटर पैरामीटर को आप ध्यान रखना, ठीक है ना। ये ऑप्टिमम वाटर पैरामीटर है, पाई डाउन ऑप्टिमम कितना रहेगा, ठीक है। सैलिनिटी जो है 12 to 25 है, जो पीपीटी में रहेगा। पीएच जो है आपका 7.5 से 8.5 रहेगा। एल्कलिनिटी जो है ग्रेटर रहना चाहिए हमेशा 120, ये पीपीएम में। पीपीएम स्टैंड्स फॉर पार्ट पर मिलियन, और उसको अगर समझेंगे तो मिलीग्राम पर लीटर। हार्डनेस जो रहनी चाहिए आपकी ग्रेटर देन 1000 रहना चाहिए, ये भी आपका पीपीएम में है। कैल्शियम हार्डनेस जो है आपका, जो हमारा कैल्शियम कंपोनेंट है, ग्रेटर होना चाहिए 150, वो भी आपका मिलीग्राम पर लीटर में है। मैग्नीशियम हार्डनेस जो है ग्रेटर देन 450 होना चाहिए, वो भी आपका पार्ट पर मिलियन में है। टोटल अमोनिया नाइट्रोजन है जो लेस देन होना चाहिए 1.0। नाइट्राइट है, ये किलिंग गैस है, तो लेस देन 0.5 होना चाहिए ये। हाइड्रोजन सल्फाइड जो H2S गैस बनेगा नीचे बॉटम में, वो हमेशा लेस देन 0.01 ppm होना चाहिए। और डिसॉल्व ऑक्सीजन जो है वो ग्रेटर देन 4 हमेशा मेंटेन होना चाहिए। हमारा बायोफ्लॉक है तो ग्रेटर देन 6 वी कैन कंसिडर। तो जितनी भी हमारी फाइट रहेगी वो सब पूरे साइकिल में इन्हीं चीजों को लेकर रहेगा, और इन्हीं चीजों को हम अचीव करने का कोशिश करेंगे। इसकी हमारे वाटर पैरामीटर में मेरे ख्याल से जैसे मैग्नीशियम हो गया या एल्किनिटी हो गई या टोटल अमोनिया हो गया, ये मुझे लग रहा है कि ये हायर रेंजेस में ही है। हायर रेंजेस हैं या नहीं है होंगी मेरे ख्याल से मैग्नीशियम जैसे आप कह ना रहे हो कि 450 से ऊपर होना चाहिए, तो इससे तो काफी ऊपर होगा हमारा। आपके में कैल्शियम कंटेंट बहुत ज्यादा होगा, मैग्नीशियम कम होगा। तो इसीलिए जो हम मैग्नीशियम क्लोराइड वगैरह, वो जो आपको पता होना चाहिए कि जो हम इतने केमिकल्स ऑर्डर कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा बोरवेल वाटर है वो हमारा सी वाटर नहीं है। अगर सी वाटर को देखेंगे तो वो एकदम बैलेंस है, तो हम अपने बोरवेल वाटर को इक्वलेंट टू सी वाटर बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स। ठीक है। ये ऑप्टिमम रेंज है। अगर आप देखेंगे ये आपका वेरिएशन इतना चलता है आपके सारे पैरामीटर्स में, ठीक है ना। जैसे टेम्परेचर है आपका, कि जो हमारी आइडियल रेंज है 22 से 32 तक का है, पर कहाँ बैलेंस कर सकते हैं कि अगर आपका 24 भी है 28 भी है तो इतना भी आपका चलेगा, क्योंकि ऑप्टिमम हमेशा 4 के 4 महीने ऑप्टिमम मेंटेन करना बहुत टफ कंडीशन है। एक ओपन सर्कल में, नर्सरी में आप फिर भी अचीव कर पाएंगे, क्योंकि वो आपका क्लोज कंटेंट है। जैसे आपका सेलिनिटी है, कि हमने बोला कि 15-25 एक ऑप्टिमम रेंज है, पर आपकी 24 से 28 भी एक एक्सेप्टेबल रेंज है। तो सेलेनिटी अगर ज्यादा है तो उसमें क्या हम लोग क्या ट्रीटमेंट करते हैं? सेलिनिटी अगर आपका ज्यादा है तो उस वाटर को हमें ट्रीट करना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा सेलिनिटी से सर्वाइवल अच्छा होता है पर ग्रोथ कम आती है। जैसे अगर आप मुंबई वाला आंध्रा वाला बेल्ट देखेंगे तो वहां पे सैलिनिटी एकदम आइडियल है, तो वहां पे ग्रोथ अच्छा आता है। पर जब आप गुजरात वाली बेल्ट में जाएंगे तो बारिश के बाद जो सैलिनिटी है वो 40-45 तक पहुंच जाता है, तो वहां पे अच्छा। सर्वाइवल अच्छा होता है पर ग्रोथ अच्छी नहीं होती है। सेम आपका पीएच का है, आपको पता है कि 7.5 एक आइडियल रेंज है, पर 7.67-7.88 तक आपका एक्सेप्टेबल रेंज है, और 6.5 से लेके 8.5 एक आपकी पीएच की एक्सेप्टेबल रेंज है। मैं एक बार सैलिनिटी पे अगर एक क्वेश्चन करूं, जैसे अगर सपोज करिए हमारी 30-35 जा रही है सैलिनिटी, सपोज
हम्म, तो उसमें हम क्या एडिशन क्या ट्रीटमेंट करते हैं कि इसको हम लोग दोबारा रेंज में लेके आए। उसमें क्या है कि हमें एक सेपरेट टैंक में अपने वाटर की हार्डनेस को कम करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ एलम, विद द हेल्प ऑफ अच्छा ईडीटीए, विद द हेल्प ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर, देन हम उसको मैनेज करेंगे। तो वो बहुत ओके सारी मैनिपुलेशन, बहुत सारी कैलकुलेशन है जो आप इस कल्चर में समझेंगे ओके कि लोग कल्चर कर पा रहे हैं पर वो ऑप्टिमम प्रोडक्शन क्यों नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि इतनी सारी साइंस उसके पीछे लगता है। फिर आपका एल्कलिनिटी है, एल्कलिनिटी हमेशा आपकी 120 से ज़्यादा होना चाहिए, पर ये भी आपका जैसे श्रेम का जो नर्सरी आपने बनाया है वहाँ पे एल्कलिनिटी का रेंज कम होगा, ग्रो आउट ओके कल्चर में जाएंगे तो वहाँ पे ज़्यादा होगा। तो वो वेरिएशन सब समझेंगे, लोएस्ट जो है 137 और हाईएस्ट आपकी 146, जबकि हमारे एनवायरनमेंट में ये और भी ज़्यादा जाएगा क्योंकि हमारा जो पानी में है कैल्शियम कंटेंट बहुत ज़्यादा है। तो आपको ये अपने एनवायरनमेंट में 220 से भी ऊपर मिलेगा। पक्का मिलेगा। टोटल हार्डनेस हमने बोला कि 1000 से ग्रेटर होना चाहिए, पर कितनी एक्सेप्टेबल रेंज है, ये 3.89 से लेके 5408 तक एक्सेप्टेबल रेंज है, क्योंकि इसमें दो कंपोनेंट आपके आ जाते हैं, एक आपका कैल्शियम कैल्शियम और एक मैग्नीशियम। आपका मैग्नीशियम। तो दोनों ही हार्मफुल नहीं है, मैग्नीशियम भी सपोर्ट करता है और कैल्शियम भी सपोर्ट करता है। कैल्शियम कंटेंट कहाँ से कहाँ तक चल सकता है आपका, 346 से लेके 896 तक, ये सारी वैल्यूज पीपीएम में है आपकी। तो ये अलग से थोड़ा दिए गए वाटर रिपोर्ट के अंदर। वाटर रिपोर्ट के अंदर नहीं दिए होते हैं क्योंकि इतना ज्ञान देने के लिए उनके पास इतना ज्ञान होना भी चाहिए। हम लोग कैसे करेंगे इसको फिर? जो आपने अपनी सॉयल और वाटर टेस्ट किट मंगाई है उसमें ये हाँ सब कुछ मिलेंगे। मतलब अब हमें अपना वाटर अगर टेस्ट करना हो तो उधर भेजने की जरूरत नहीं है। हाँ हम खुद से कर सकते हैं, तो किट तो सारे आ चुके हैं मेरे पास। राइट। अब मैग्नीशियम की रेंज आपने देखा कि 450 से ज्यादा होनी चाहिए, मैक्स कहाँ तक जा सकती है, 998 से 1000 तक इजीली जा सकता है, ठीक है, ये ठीक है। तो कम ही मिलेगा हमारे। हाँ, अमोनिया सबसे ज्यादा टॉक्सिक है, तो 1 से नीचे नीचे उसकी वैल्यू होनी चाहिए। हायर ये रहा आपका 1 और लोएस्ट है आपका 0.8 से 0.07, तो ये भी हमारे में नहीं है। डिसॉल्व ऑक्सीजन 4 से ऊपर होना चाहिए।5.37 से ऊपर होना चाहिए, हमारा 6 से ऊपर आएगा क्योंकि हमने एरिएशन उसी हिसाब से रखा है। और ये सब चीज़ें हम नहीं बोलते, ये एक इंटरनेशनल जनरल फिशरीज एंड एक्वाटिक स्टडीज का बोलता है कि जो उन्होंने आंध्रा जहाँ पे हमारा सबसे ज़्यादा श्रिम्प ग्रो करता है और सभी टेक्नोलॉजी की हेल्प से होता है, वहाँ की ये स्टडी है, ठीक है। ठीक है। तो आज का टॉपिक आप शुरू करते हैं, ये मोटा मोटा आपको बताना था कि हम अपनी किड्स पे इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं। तो आज जो हम कवर करेंगे, अपना कोशिश करेंगे साइट सिलेक्शन से लेके टेल हार्वेस्ट तक करेंगे, आधा वीडियो हम इसका ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें आप लेफ्ट में देखेंगे ये आपका मीठे पानी का झींगा है जिसे हिंदी में महाझींगा बोलते हैं, इंग्लिश में आपका एम रोजनबर्गी बोलते हैं। अच्छा बीच वाला ये टाइगर मोंडो है आपका, और ये वाला जो हाथ में है आपके राइट साइड में ये आपका वाइट लेग श्रिम्प है, पी वनामी है, जिसका कल्चर आप करेंगे। दो कंटेंट जो ये वाले हैं, बीच वाला और राइट वाला, ये खारे पानी के रिच प्लेयर हैं, और ये जो लेफ्ट साइड में जिनके पास मीठा पानी है वो एम रोजनवर्गी कर सकते हैं। तो टाइगर प्रॉन भी हमारे उसका ही है, टाइगर खारे प्रॉन पानी। भी आपके उसका है, पर श्रिम्प व्हाइट लेग श्रिम्प के साथ क्या एडवांटेज है कि वो जल्दी रेडी होता है आपका, और अच्छा 2008 में बहुत सारे वायरसेस इन्फेक्शन आए थे पी मोंडो के साथ,
तो तब से उसका कल्चर थोड़ा कम हो गया है, वाइट ओके लेग श्रिम्प ने वो पॉपुलैरिटी पकड़ ली है। ओके तो इसमें हमने कवर किया था आपका बेसिक ओवरव्यू इन टर्म ऑफ द लैंड एंड सॉइल, साइट सेलेक्शन, फार्म डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन, पॉन्ड प्रिपरेशन, बायो सिक्योरिटी मैनेजमेंट, सीड क्वालिटी एंड स्टॉकिंग, वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट, फीड क्वालिटी एंड इट्स मैनेजमेंट, हेल्थ मैनेजमेंट, हार्वेस्ट और रिकॉर्ड कीपिंग। शुरू के 6 कंपोनेंट हम कर चुके हैं, 6 कंपोनेंट हमें कवर करना करने है। के। ठीक है, ये हमारा, अब सब लोग बोलते हैं कि कैसे हम कल्चर करेंगे अपना श्रिम्प का, प्रॉन का, कि जबकि हमारे पास खारा पानी नहीं है, पर जो हमारी सॉल्ट अफेक्टेड स्टेट है उसमें गुजरात, उसमें आसाम, उसमें राजस्थान, उसमें महाराष्ट्र, ये सब हैं कि जहाँ पे उतना सी वाला एरिया नहीं है पर हमारे पास सलाइन वाटर है, और वो हमारा लो लाइन एरिया है कि जहाँ पे हम कुछ फार्मिंग भी नहीं कर सकते, पर वो इतना फेवरेबल भी नहीं है कि जितना कोस्टल बेल्ट वाला एरिया है। तो है कुछ हमारे पास गॉड गिफ्ट, पर उतना नहीं जितना कोस्टल बेल्ट के पास है। तो आगे की स्लाइड में उसको समझेंगे कि हम किस तरह से उसको मैनेज कर सकते हैं। ये आपके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि इस तरह से सूखा पड़ा हुआ है, पानी भरा हुआ है, पर वो किसी यूज का नहीं है। ज्यादा नमक होने के वजह से आपके वाइटनेस आ जाती है सॉइल पे, तो सलाइन अफेक्टेड एरियाज हैं अब वो आपके, जो अनफिट हैं आपके कोई भी क्रॉप कल्चर करने के लिए या फ्रेश वाटर कल्चर करने के लिए। और जो उसमें इफेक्ट डालते हैं आपके, वो पुअर मानसून की बारिश वगैरह हमारे एरियाज में उतने नहीं होती कि मेंटेन बना रहे, तो जो सैलिनिटी है आपका उसका लेवल खुद हाई होने लगता है। गर्मी हमारे पास बहुत ज़्यादा पड़ता है कि जिसकी वजह से हम वो चीज़ें मेंटेन नहीं कर पाते। इवेपोरेशन रेट जो है हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे हमारी पानी की हार्डनेस बढ़ जाती है। सेम प्रॉब्लम आप गुजरात में फील करेंगे, बारिश के बाद ये टाइम वहाँ पे बहुत बढ़ जाता है। तो सर्वाइवल अच्छा आएगा पर ग्रोथ नहीं आएगा। ये है आपका कंपोनेंट जिसको समझने का जरूरत है। द नेचर ऑफ इनलैंड सलाइन सॉइल एंड वाटर इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द सी वाटर, द हैबिटेट इन विच श्रिम्प इज नेचुरली फाउंड। तो जो हमारा सी वाटर है, जहाँ पे हमारा श्रिम्प नेचुरली मिल रहा है, उसमें विथ लो लेवल ऑफ पोटेशियम, हाई लेवल ऑफ कैल्शियम, वेरिएबल लेवल ऑफ मैग्नीशियम। तो जो पोटेशियम है उसका लेवल कम होगा, पोटेशियम स्टैंड्स फॉर के, हाई लेवल ऑफ कैल्शियम। तो कैल्शियम के लेवल पे तो आपका पानी और हमारे समुंदर का पानी एक लेवल पे है, बराबर। पर वेरिएबल लेवल ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हमारे वाले में कम है ड्यू टू जो समुंदर का है। तो इसलिए हम वहाँ पे आपका एप्सम सॉल्ट, मैग्नीशियम क्लोराइड वो एड ऑन करेंगे कि जो हैबिटेट उसको मिलना चाहिए, जो उसकी नेचर में है, वो हम बैलेंस कर पाए। तो द एग्जैक्ट कंपोजिशन वेरीज बोथ लोकली एंड फिजिकली। तो हर एक जगह का पानी आपको ये अलग अलग मिलेगा। आंध्रा में देखेंगे कुछ और होगा, मुंबई में देखेंगे कुछ और होगा, गुजरात में देखेंगे कुछ और होगा, हरियाणा में देखेंगे कुछ और होगा, राजस्थान में देखेंगे तो कुछ और होगा। तो उस पे बहुत सारे ट्रायल और बहुत सारे फॉर्मुलेशन करने पड़ते हैं उस पानी को ऑप्टिमम बनाने के लिए। तो प्योर साइंस है, उस साइंस को धीरे धीरे आप पूरे कल्चर में समझेंगे। कोई आपका इशू, कोई प्रॉब्लम, कोई कंसर्न? नहीं, ठीक है, तो ये मेजर प्लेयर हैं आपके। सबसे पहला पैसिफिक वाइट श्रिम, जिसे आप वाइट लेग श्रिम भी बोलते हैं, और एल वेनामी बोलते हैं, लिटोपेनस वेनामी। तो सलाइन ग्राउंड वाटर का मेजर प्लेयर है। सेकंड आपका टाइगर श्रिम्प जिसे बोलते हैं, जो आपका पीनस मोंडो है, वो भी आपका इनलैंड सलाइन वाटर का ही प्लेयर है। थर्ड
थर्ड है इसमें जाइंट फ्रेश वाटर प्रॉन, जिसे हिंदी में आप महाझींगा बोलते हैं और इंग्लिश में आपका एम्ब्रोजन वर्गी है, ठीक है। ये इस तरह से आप देखेंगे तो ये आपका सारा प्रॉन है, प्रॉन का मार्केट सारा ग्लोबली है आपका, तो एकदम एक्सपोर्ट कंपोनेंट है। पर ये मीठा पानी चाहिए और 5 PP तक की सैलिनिटी में आपका होता है, पर आपकी सैलिनिटी लेवल ज्यादा है तो वहाँ ग्रोथ नहीं मिलेगा उसको, कुछ ट्रीटमेंट टैंक्स वगैरह हैं कि हम हमेशा सीधा पानी में नहीं डालते हैं, तो हम आइसोलेट करके डालते हैं। तो जब भी हम अपना वाटर प्रिपेयर करेंगे तो फर्टिलाइजेशन से पहले हमारा एक कंपोनेंट होता है कि हम उसको प्री वाटर ट्रीटमेंट करेंगे। प्री वाटर ट्रीटमेंट में कि उस पानी को हम इतना लाइट बनाएंगे कि वो हमारा मैनेज हो जाए जो हमें आइडियल कंडीशन चाहिए। नहीं, ये पानी किस चीज के लिए तैयार किया हमने? ये जो भी आपका नर्सरी टैंक जाएगा, जो भी हमारा बच्चा आना है, जो भी स्टॉकिंग होनी है, उसके लिए कि जिस एनवायरनमेंट में वो हैचरी में रह रहा था, सेम हमारे पास भी आके उसको वही एनवायरनमेंट मिले। तो ये इंफ्रा हमने जो देखा है अभी, इस टाइप का बनाना पड़ेगा? नहीं, जो हमने अपना नर्सरी बनाया फार फार बेटर हमने बनाया, ठीक है। ठीक है ना। ये आपका जायंट फ्रेश वाटर प्रॉन, तो हमेशा जब भी मीठा पानी की बात आएगी तो ये वाला एम्ब्रोजनबर्गी आएगा। फास्टेस्ट ग्रोइंग फ्रेश वाटर प्रॉन है, सुटेबल फॉर कल्चर इन डिफरेंट सैलिनिटीज, 0 से 10 PPT तक ये चलेगा। सुटेबल फॉर कल्चर अंडर बोथ मोनो एंड पॉली कल्चर, अकेले भी कर सकते हैं और आप अगर IMC कल्चर वगैरह कर रहे हैं तो उसके साथ भी कर सकते हैं। हाई डिमांड फॉर बोथ डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट मार्केट, सुटेबल फॉर स्मॉल मीडियम एंड लार्ज फार्मर, सबके लिए सुटेबल है, थोड़ा कॉस्टली अफेयर है। हमारे यहाँ तो होगा ही नहीं। नहीं, हमारे यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो पॉली हाउस है आपका, ये आपका पॉली लाइनिंग, इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट की, जहाँ पे आप सीधे सॉयल में कुछ भी पानी नहीं कर रहे हैं, सीपेज वगैरह का लॉसेस कम हो रहा है और आप अपने एनवायरनमेंट को भी एक सस्टेनेबल दे रहे हैं और अपने जो कार्बन फुटप्रिंट है उनको भी रिड्यूस कर रहे हैं, कि ऐसा ना हो कि जो आज इतना निगेटिव एनवायरनमेंट है, अगले 5 साल के बाद देखें कि जो मॉडल पे हमने काम करना शुरू किया था, अगले 5 साल के बाद हम उस मॉडल को सस्टेन ही नहीं कर पा रहे हैं। तो हमेशा जब भी कोई प्रोजेक्ट प्लान करें तो हमेशा सस्टेनेबिलिटी अपने माइंड में रखें। ये आपका टाइगर श्रिम्प है, जिसे आपको पी मोंडो बोलते हैं, हाई सैलिनिटी का, ये भी एक रिच प्लेयर है। फास्टेस्ट ग्रोइंग मरीन प्रॉन, टॉलरेंस टू वाइड सैलिनिटी रेंज, सुटेबल फॉर कल्चर इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, कल्चर पीरियड शॉर्ट 4 मंथ्स, 2 क्रॉप्स कैन बी टेकन इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कंट्री, मतलब जो हमारा वाला एरिया है वहां पे हम इसके 2 क्रॉप ले सकते हैं अगर हम अपनी सही से प्लानिंग करें। ये कितना साइज जाता है इसका? इसका भी वही है आपका श्रिम के अकॉर्डिंग, 20 ग्राम, 25 ग्राम, 30 ग्राम, 35 ग्राम, 40 ग्राम, क्या हार्वेस्ट साइज आप लेना चाहते हैं, अच्छा। ठीक है। हाई एक्सपोर्ट डिमांड, ये सब बाहर के हैं तो इसलिए तो हमेशा इसमें इसी एक्सपोर्ट इसी का में तो वायरस आया करेंगे। था? इसी में वायरस आया था 2008 में, 2008 के बाद से इसका प्रोडक्शन डाउन हुआ है, व्हाइट लेग श्रिम्प ने वो पॉपुलैरिटी पकड़ ली है। अब ये ठीक हो गया प्रोडक्ट या अभी भी आप ठीक डाउन है, ही? आप ठीक है। ये इस तरह से आपका एकदम लाइन जैसे टाइगर, इसीलिए उसको टाइगर प्रॉन बोलते हैं। ये अफेक्टेड एरिया है जहाँ पे हाई सैलिनिटी मिलेगा, नमक का कंटेंट ज्यादा होगा, कैल्शियम का कंटेंट ज्यादा होगा, पर एक एडिशनल आपके पास मिलेगा, ये आपका है। कमर्शियल फार्मिंग फॉर वेस्ट पैसिफिक व्हाइट श्रिम, जिसे आप एल वेनामी, सलाइन अफेक्टेड सॉइल में, फास्ट ग्रोथ रेट एंड कंपेटिबल टू हाई स्टॉकिंग डेंसिटी, इसके साथ वो हम हाई स्टॉकिंग में जा सकते हैं। हाई रेट ऑफ रिटर्न है और शॉर्ट क्रॉप ड्यूरेशन है ऑफ 3 to 4 मंथ्स में। तो ये वाला हम कल्चर अभी
करेंगे इसका। ये इस तरह से फाइनल हार्वेस्टिंग आपका, ये ये मुझे एक रहा। क्वेश्चन पूछना था आपसे, हाँ बोलो ना। जब ये हार्वेस्टिंग लेंगे हम तो पानी खाली करना पड़ेगा सारा? सारा तो नहीं पर हाँ थोड़ा सा उसको कम करना पड़ता है। और फिर उसी को दोबारा ट्रीट किया जा सकता है या उसको फिर कल्चर लेने के दोबारा बाद में? से हाँ, आज का जो हम आगे की पीपीटी देखेंगे वो उसमें वो सब क्वेश्चंस आपके आएंगे, चलिए ठीक है। ठीक है ना। ये साइलेंट फीचर है आपके, क्योंकि आपने काफी बार यूट्यूब पे देखे होंगे कि बहुत से लोग इसको मीठे पानी में भी कर रहे हैं, तो मीठे पानी में भी ये होगा। पर जब सर्वाइवल आप पूरे प्रोजेक्ट का देखेंगे तो सर्वाइवल वहां पे कम होगा, क्योंकि जो नेचुरल हैबिटेट था वो उसको नहीं मिला। तो ग्रो तो उसने कर लिया, या तो उसका ग्रोथ नहीं आया होगा या उसमें मॉर्टेलिटी इतनी हुई होगी कि वो प्रोजेक्ट वाइबल नहीं रहा होगा। पी वनामी कैन बी कल्चर्ड एट स्टॉकिंग डेंसिटी, पहले जो होता था 60 नंबर रखते थे हम पर मीटर स्क्वायर में, 1,000 लीटर पानी में सिर्फ 60 पीस रखते थे। तो जो अब हम बढ़ा के 200, 250, 500 और 850 तक भी ले गए हैं। पी वनामी कैन ग्रो एज फास्ट एज पी मोंडो अप टू 20 ग्राम। तो पी वनामी इसलिए ग्रो कर गया क्योंकि वो पी मोंडो जितना 20 ग्राम में पहुंचता है उससे जल्दी ये ग्रो कर जाता है, तो इसलिए फिर उस वो एनिमल को नहीं करेंगे। इट कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी, बहुत लंबी रेंज है उसका, 0.5 से लेके 45 PPT तक करता है वो। तो आपकी आइडियल रेंज में आ रहा है, 15, 20, 25, 28 एकदम आइडियल रेंज है। जो सबसे ज्यादा एडवांटेज है कि लो प्रोटीन फीड लेता है। लो प्रोटीन फीड की बात करें कि 20 से 35% का फीड, मतलब लो प्रोटीन होगा तो आपका पैसा भी कम लगेगा। अगर हम अपना जाइंट प्रॉन की बात करें, टाइगर प्रॉन की बात करें, तो उनको 40% मिनिमम प्रोटीन रिक्वायर्ड होता है, तो कल्चर में फीड की कॉस्ट बढ़ जाती है। जितना प्रोटीन हाई देंगे उतना अमोनिया भी ज्यादा बनेगा, तो इसलिए व्हाइट लेग श्रिम्प का ये वाले कल्चर आपके ज्यादा फेमस हो गए हैं। सेकंड है आपका, एल वनामी मैच्योर्स अंडर कैप्टिव कंडीशन विच इनेबल डोमेस्टिकेशन एंड जेनेटिक इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टॉक्स गिव्स हायर सर्वाइवल इन हैचरीज देन कंपेयर टू पी मोंडो। तो सर्वाइवल आपका 80-85% तक जाता है, तो आपका जो प्रॉफिट आएगा वो भी आपका अच्छा आएगा। टॉलरेंस जो है आपका 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है, और जो फास्ट ग्रोथ उसको मिलेगी वो 23 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड में वो फास्ट ग्रो करेगा आपका। तो सब कुछ आपके पास विन विन कंडीशन है, सिर्फ आपके पास एक मैग्नीशियम और एक पोटेशियम कंटेंट वो आपको मैनेज करना है, ठीक है। ठीक है ना। तो जो सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है वो है आपका बीएमपी। बीएमपी स्टैंड्स फॉर बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस, क्योंकि आप एक ऐसा एक्वाटिक एनिमल्स का कल्चर कर रहे हैं जो आपके यहाँ का नहीं है, तो उसको वो आइडियल पैरामीटर, आइडियल रेंज आपको देनी है, क्योंकि कल्चर भी बहुत बड़ा नहीं है, सिर्फ 3 से 4 महीने का है। तो वो सब चीजें हमें फोकस करनी है। तो बीएमपी को हम कैसे मेंटेन करेंगे? साइट सिलेक्शन जो आपका पहले ही हो चुका है, फार्म डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी हो चुका है, पॉन्ड प्रिपरेशन लगभग हम बना चुके हैं, बायो सिक्योरिटी मैनेजमेंट अभी हम यहाँ पर लैक कर रहे हैं, सीड क्वालिटी एंड स्टॉकिंग यहाँ पर अभी हमारा होना है, वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट ये अभी हमें करना है, फीड क्वालिटी एंड इट्स मैनेजमेंट ये हमें करना है, हेल्थ मैनेजमेंट, हार्वेस्ट और रिकॉर्ड कीपिंग। रिकॉर्ड कीपिंग डे वन से ही आपके रिक्वायर्ड है हर एक प्रोजेक्ट की सक्सेस के लिए। ठीक है। साइट सिलेक्शन हमने कवर किया था, क्योंकि हमारे में कोई भी हम
नेचुरल या अर्दन पॉन्ड नहीं बना रहे, हमारा लाइन पॉन्ड है, तो ये वाला सारा कंसेप्ट हमारा चला जाता है, ठीक है ना। ठीक है। हमारा लाइन पॉन्ड है, फार्म डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन, तो जो है आपका मेंटेन अ मिनिमम वाटर डेप्थ ऑफ 150 to 180 सेंटीमीटर इन द पॉन्ड। ये कितना फीट में कितना गया? तो जो हमारा जाएगा 3 फिट, 3.5 फिट, 4 फिट, 4.5 फिट और 5 फिट। जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर हमारे साथ वेरिएशन करेगा, वैसे वैसे उसी पानी तरह बढ़ेगा। से हम अपने वाटर डेप्थ को चेंज करेंगे, ठीक है। ठीक है ना। डिजाइन और लेआउट्स ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। फॉर साइट्स विद लो वाटर रिटेंशन, सैंडी सॉइल जो हमारा एरिया है, पॉन्ड शुड बी लाइंड विद SDPE, LDPE मटेरियल हेल्ड इन प्लेस बाय डिगिंग ट्रेंचेस, गैस वेल्डिंग और गम। तो यही हमारा कल्चर जाएगा। पॉन्ड प्रिपरेशन, अब पॉन्ड प्रिपरेशन वाला सबसे पहला पार्ट है। आपने बोला था कि जब हमारा एक कल्चर हो जाएगा तो हम उस पानी को सबको फेंक देंगे या नहीं फेंकेंगे या क्या करेंगे। तो जब भी हमारे अर्दन पॉन्ड होते हैं, जहाँ पे नीचे हमें मिट्टी मिलता है, उन एरियाज में हम उनको पूरा सुखाते हैं। सुखाने के बाद उनको ट्रीट करते हैं। तो रिमूव द बॉटम ऑर्गेनिक स्लज आफ्टर एवरी क्रॉप ड्यूरिंग वेट कंडीशन। तो जब भी हमारा मार्च अप्रैल वाला टाइम आता है, हम उन तालाब को पूरा खाली करके सुखा देते हैं। ड्राई द पॉन्ड बॉटम टिल द गेट इट गेट्स क्रैक्स एंड फ्लो टू अ डेप्थ ऑफ 15 सेंटीमीटर एंड अलाउड टू सन ड्राई कंप्लीटली। तो जितना भी हमारे है पूरा ड्राई कर दिया, पूरा सुखा दिया, नीचे का जितना गन था उसको हमने चला दिया 15 सेंटीमीटर तक और सन ड्राई करने के लिए छोड़ दिया। सन ड्राई से क्या होगा कि पुराना ट्रीटमेंट है कि जितने भी पैथोजेंस हैं, जितने भी बैड बैक्टीरिया हैं, वो सब कुछ मर जाएंगे। उसके बाद मेजर पीएच एंड ऑर्गेनिक मैटर इन द बॉटम सॉइल। उसके बाद हमें पीएच वगैरह मेजर करना है, क्योंकि पीएच के ऊपर ही जो हम लाइम अप्लाई करेंगे उसकी क्वांटिटी मेजर करता है। फिर जो भी हम लाइमिंग अपनी कर रहे हैं, एग्रीकल्चर लाइम है, आपका डोलोमाइट है, जो भी आपका लाइमिंग मटेरियल है, वो पूरे पॉन्ड में यूनिफॉर्मली फैला देंगे। लेवल एंड कॉम्पैक्ट द पॉन्ड बॉटम, अरेंज बर्ड फेंस नेट प्रॉपरली, और उसके ऊपर हम एक प्रॉपर बर्ड फेंसिंग, नेट फेंसिंग रख देंगे कि सीधे बर्ड ना आए, क्योंकि जब बर्ड आएगी, सबसे ज़्यादा जो डिजीज़ है वो बर्ड्स में होती है। चाहे आप अपना पोल्ट्री देखें, चाहे माइग्रेटरी बर्ड देखें, बर्ड फ्लू देखें, जितने भी आपके सिम्टम्स मिलेंगे सब रिलेट आपको बर्ड से मिलेंगे। तो बर्ड को रोकना है, क्योंकि जब वो कूक करेगा, बीट करेगा, उसमें भी बैक्टीरिया होगा। जब वो आपके पॉन्ड से श्रिम पकड़ेगा, उसकी चोंच में भी कुछ ना कुछ इन्फेक्शन होगा। उसको एक खाना होगा पर वो 10 मारेगा, तो वहां पे भी आपको उसको प्रोटेक्ट करना होगा। तो ये मारने सिर्फ के लिए सिर्फ सिर्फ बर्ड नेट से काम चल जाएगा इसमें? बर्ड नेट से ही चल जाता है। काफी बार हम उसको पटाखों वगैरह से भी नॉइस करके उड़ाते हैं, क्योंकि वो इतना प्रेडेटर बर्ड्स हैं, उनको माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, तो मारना भी उनको अलाउड नहीं है, तो नहीं सिर्फ तो ये प्रोटेक्ट हमारे करना। हमारे एरिया के अंदर में अभी तो मेरे हिसाब से तो ऐसी कोई बर्ड्स है नहीं। नहीं, अभी नहीं है, जैसे ही पानी आएगा तो पूरा इकोसिस्टम खुद शेप लेने लगेगा, अच्छा, वो दूसरी बर्ड्स भी आने लग जाएंगी। वो सब कुछ आने लगेगा, क्योंकि इतने पूरे एरिया में जहां पानी दिखेगा सब वहीं पर आएंगे। ये आपका लेफ्ट वाला देखेंगे एक नॉर्मल सॉयल है, ब्राउन, लाइट ब्राउन। ये ब्राइट वाला आप देखेंगे तो आपको खुद ही लग रहा है कि काला है, गंदा है। सूंघेंगे तो बहुत सारी इसमें गैसेस, बहुत सारी अमोनिया, बहुत सारे फंगल, बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे पैथोजेंस इसके अंदर होंगे, तो इसको ट्रीट करने का जरूरत है। इस तरह से आप पूरी प्रॉपर लाइमिंग वगैरह कर देंगे। लाइन पॉन्ड में भी हम वही फॉलो करेंगे। बॉटम फर्टिलाइजेशन, बॉटम फर्टिलाइजेशन जो है आपका क्लीनिंग ऑफ द पॉन्ड, ड्राई आउट एंड रिमूव वेस्ट, जो भी आपको नीचे मिलेगा वो सब कुछ साफ सुथरा करके
हम सुखा देंगे उसको, पॉन्ड मेंटेनेंस करेंगे, जहाँ भी आपके बंध वगैरह टूटे हुए हैं, गड्ढे वड्ढे, इनलेट आउटलेट कहीं भी आपका टूटा फूटा है उसको ठीक करेंगे, टेलिंग करेंगे, खुदाई अपना 5 से 10 सेंटीमीटर सिर्फ ऊपर वाली लेयर की, जो आपके टॉप सॉयल है, फर्टिलाइज लेयर है। फर्टिलाइजेशन जो आपका होगा यूरिया, सबसे रिच प्लेयर, 200 to 400 kg पर हेक्टेयर, सोडियम नाइट्राइट 20 to 40 ग्राम पर मीटर स्क्वायर, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन 1:1, और चिकन जो आपका पोल्ट्री वेस्ट जाता है या एनिमल मैन जिसमें आपका काउ डंक है, वो आपका 1000 से 2000 kg पर हेक्टेयर। और हमारा लाइन पॉन्ड है तो हमारा ट्रीटमेंट कुछ अलग होगा, थोड़ा सा साइंटिफिक वे में होगा, क्योंकि हमारे नीचे सॉयल की फैसिलिटी नहीं है। सॉयल के साथ फर्टिलाइजेशन जब होता है तो बहुत रिच होता है, हमारे में जो ट्रीटमेंट होगा थोड़ा सा अलग होगा। तो सॉइल तो हमारे पास में है। ठीक नहीं, हम उस कल्चर में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हम विद द हेल्प ऑफ बायोफ्लॉक जा रहे हैं, ठीक है। ठीक है ना। वाटरिंग जो करना है, मेंटेन वाटर अप टू 120 to 150 सेंटीमीटर इफ द वाटर सोर्स इज फ्रॉम बोरवेल, फिल डायरेक्टली इफ इट इज फ्रॉम ओपन सोर्स फिल्टर इट। बोरवेल से आ रहा तो सीधे भर सकते हैं, अगर बोरवेल ही है मैं आपको। कहीं आप नहर वगैरह से ले रहे हैं, कहीं समुंदर से ले रहे हैं, तो वो फिल्टर करके यूज करेंगे। ट्रीट द वाटर विद 10 ppm क्लोरीन, जो हम ब्लीचिंग पाउडर ऑर्डर कर रहे हैं वो इसी ट्रीटमेंट के लिए कर रहे हैं, कि कुछ अगर उसमें पैथोजेंस हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं जो हमें नहीं दिख रहे हैं, तो वो उनको किल कर देगा। परफॉर्म एनालिसिस ऑफ पॉन्ड वाटर कंडीशन, तो जो भी आपकी पॉन्ड वाटर की करंट कंडीशन है उनको हम एनालाइज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम अपना पॉन्ड को फर्टिलाइज करेंगे। मेंटेन द ट्रांसपेरेंसी एट 30 to 40 सेंटीमीटर। ट्रांसपेरेंसी क्या है कि पानी को आप देखेंगे तो एकदम ट्रांसपेरेंट दिखता है, तो हमें उतना ट्रांसपेरेंट नहीं चाहिए, वहाँ पे फूड होना चाहिए जो नेचुरल फूड है एट द फॉर्म ऑफ फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन। तो ये जो कैसे हमारे होगा? वो जब हम फर्टिलाइज करेंगे पॉन्ड को, इसीलिए हमेशा जब भी वाटर प्रिपरेशन पे जाते हैं तो 7 दिन, 15 दिन, 21 दिन का टाइम देते हैं कि वहाँ पे हम नेचुरल फूड प्रिपेयर कर पाए, अच्छा। ठीक है ना। वाटर फर्टिलाइजेशन यूज ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज कर सकते हैं फॉर प्लैंकटन ब्लूम। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर चिकन मैन्योर, ठीक है। तो जो हमारा करने जा रहे हैं वो है हमारा एल्वेनामिक, तो हम इसमें क्या करेंगे कि फर्मेंटेड ऑर्गेनिक स्लरी प्रिपेयर्ड विद 20 लीटर ऑफ मोलासिस, 20 kg जागरी, 20 kg राइस पॉलिश, 20 kg ऑयल केक, 200 ग्राम यीस्ट और 150 ग्राम प्रोबायोटिक पर हेक्टेयर। तो हमारा लाइन पॉन्ड है तो हम ये सेकंड वाले कल्चर पे जाएंगे, इसकी हेल्प से हम अपने वाटर को फर्टिलाइज करेंगे, उसको ऑप्टिमम करेंगे कि उसमें हम नेचुरल फीड उसको दे पाएं, कि जब हमारा छोटा बच्चा है, एक दिन 2 दिन वो फीड नहीं उठा पाएगा तो वो भूख से ना मरे, उसके लिए एक रिच प्रोटीन सोर्स वहाँ पे हो, तो ये हम करेंगे। ये सारे कंपोनेंट हमने ऑर्डर कर लिए हैं, यीस्ट हम मंगा चुके हैं, प्रोबायोटिक हम मंगा चुके हैं, जागरी हमारे ऑलरेडी है, राइस पॉलिश हमें करना है, ठीक है। ठीक है। इस तरह से हम उसको स्प्रेड कर देंगे और इस तरह से हमारा लाइट ब्राउनिश, लाइट ग्रीनिश कलर का वाटर आ जाए। बायो सिक्योरिटी मेजर्स हैं, बायो सिक्योरिटी मेजर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एट शिप फार्म एज इट इंश्योर द पैथोजन फ्री, हाइजेनिक एंड डिजीज फ्री कल्चर प्रैक्टिस। बायो सिक्योरिटी मेजर्स शुड बी स्ट्रिक्टली एनफोर्स बाई ऑल फार्म स्टाफ एज वेल एज अदर पीपल एंटरिंग द फार्म। तो ये कोरोना टाइम से पहले थोड़ा मुश्किल होता था सब लोगों के लिए, पर ये कोरोना टाइम से अब सब लोग इस चीज को मानने लगे हैं कि जब भी आप कहीं से आ रहे हैं तो हैंड वॉश करें, एक
पॉन्ड का नेट दूसरे पॉन्ड में ना डालें, एक पॉन्ड के इंस्ट्रूमेंट दूसरे पॉन्ड में ना डालें, एक फार्म के लेबर दूसरे फार्म में यूज ना करें, अपने जूतों में डिप बाथ वगैरह लगाएं कि सीधे बैक्टीरिया इन्फेक्शन वगैरह ना आए, तो ये हमें फॉलो करनी है। फेंसिंग वगैरह करेंगे इस तरह से, ठीक है। बर्ड नेटिंग बायो सिक्योरिटी के लिए, ट्रैप एंड एनिमल फेंसिंग कि कोई भी सीधे जानवर वगैरह क्रैब वगैरह अंदर ना घुसे, हमारे एरिया में तो नहीं है, पर जो कोस्टल एरिया में कल्चर करते हैं, अगर क्रैब घुसेगा तो उसके साथ पैथोजेंस भी आएंगे और वो हमारे कल्चर को भी लॉस करेगा। हैंड वॉश फैसिलिटी देनी है, फॉर्मेलिन की हेल्प से दे सकते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट की हेल्प से दे सकते हैं, फूड वॉश फैसिलिटी दे सकते हैं कि कोई भी बंदा आए, गाड़ियां आए तो सीधे एकदम तालाब के पास ना आए, वॉश वगैरह करके तब वो आपके फार्म पर आए, या उनको रेस्ट्रिक्ट करें कि वो बाहर ही रुके। तो ये हमें मेंटेन करने हैं अपना श्रिम्प स्टॉक होने से पहले पहले। सीड सिलेक्शन, ये सबसे ज्यादा आपका जो 3 महीने 4 महीने का कल्चर मेंटेन करेगा वो इसी चीज पर मेंटेन करेगा। तो काफी बार क्या होता है कि हैचरी या बीच में जो ट्रेडर हैं वो क्या बोलते हैं कि आप सीड लीजिए, हम उस पे 20% बोनस, 30% बोनस, 50% बोनस तक देंगे, पर जब कोई एक अच्छा बच्चा अपनी हैचरी में तैयार करेगा तो बहुत एफर्ट लगता है वो तैयार करने में। तो बोनस सिर्फ एक मार्केटिंग प्रैक्टिस है देने की, कोई हमारा 100% हमने लिया, हमें 100% भी दे दे तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो इसका कैसे पता चलेगा? वो क्या है कि जब भी आप कर रहे हैं अपने सर्कल में बात करें, चेक करें कि किन हैचरी से बच्चा आया था, आपके पास बच्चा पूरा मिला, क्योंकि कोई भी हमारे पास ऐसी मेथड नहीं है कि हम उनको काउंट कर पाए, क्योंकि वो इतना छोटा है। तब तो हम कर सकेंगे कि जब हम उसको अपना है नर्सरी टैंक से ग्रो आउट टैंक में भेजेंगे, तब वो इतने बड़े होंगे कि हाँ हम उनको काउंट कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं। जो भी है इनिशियल में ट्रस्ट है, एक अच्छी ट्रस्टेड नर्सरी, गवर्नमेंट रेपुटेटेड नर्सरी, सर्टिफाइड नर्सरी, वहीं से आप उनको ऑर्डर करें। तो ये इंपोर्ट होके आता है या इंडिया से ही आता नहीं, इंडिया से ही आता है, मदर जो ब्रूड स्टॉक है वो है? इंपोर्ट होके आते हैं, जो अपनी नर्सरीज हैं वो उनको फिर ग्रो कराती हैं। तो जो पीएल है आपका, पीएल स्टैंड्स फॉर पोस्ट लार्वा, 10 से 12 का उसका साइज होना चाहिए, छोटा होगा तो सर्वाइवल थोड़ा कम होगा। उससे पहले आपका पीसीआर टेस्टेड होते हैं उनके कि कोई वायरसेस कोई डिजीज तो उसमें नहीं है, एसपीएफ टेस्ट होते हैं उनके, स्पेसिफिक पैथोजन फ्री, कि कोई पर्टिकुलर डिजीज कोई पर्टिकुलर वायरस तो नहीं है उसमें, तो ये भी कंसिडर करनी है। सर्टिफाइड आते हैं मतलब ये? ये सब सर्टिफाइड आते हैं, क्योंकि हमारा सारा कल्चर जीरो हो जाएगा अगर हमारा सीड अच्छा नहीं आया, हमने कितना अच्छा फार्म बनाया, कितना अच्छा वाटर प्रिपेयर किया, सब कुछ हमने बहुत अच्छा किया, पर बच्चा ही नहीं आया तो सब हमारा खराब। सेलेक्ट द पीएल विच हैव गुड एपिटाइट, इफ द गट इज फुल तो गट आपको दिखाई देगा, जिसे आप आंत बोलते हैं, एक पतली ग्रीन लाइन आपको दिखाई देगी। तो जब हम अपनी नर्सरी सेटअप करेंगे वहां पे ये सब चीजें आप फील करेंगे खुद से, ठीक है। टेस्ट फॉर सीड क्वालिटी असेसमेंट, कैसे आप कर सकते हैं उसको कि जब आपका बच्चा आपके पास पहुंचेगा तो पहले लार्वल सैंपल, उसमें क्या करेंगे कि कोई सा भी एक आप बैग पकड़ लेंगे जिसमें आपके 100 PL होंगे, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द आइडेंटिफाइड लार्वल टैंक, पुट देम इन अ टब एंड स्टिर द वाटर एंड चेक, उनको एक टब में करेंगे और उस पानी को हिलाएंगे। तो क्या है कि मछली है श्रिम्प है, हमेशा वाटर जिस लेवल में जा रहा होगा ना उस लेवल में स्विम नहीं करेगा, हमेशा उसके अगेंस्ट में करेगा। तो ये एक साइन है उसको अच्छा पहचानने का, जो वीक होंगे जो कमजोर होंगे
वो सेंटर में चले जाएंगे, क्योंकि पानी जब आप घुमाएंगे तो एक सेंटर फोर्स लगता है, तो सारा बच्चा जो वीक होगा वो बीच में होगा, जो हेल्दी होगा वो वाटर के अगेंस्ट में स्विम कर रहा होगा। ठीक है, सैलिनिटी टेस्ट कर सकते हैं आप, कलेक्ट अबाउट 100 PL एक बीकर में ले सकते हैं, कांच के ग्लास में ले सकते हैं, पोर इक्वल क्वांटिटी ऑफ फ्रेश वाटर एंड वेट फॉर हाफ एन आवर। फ्रेश वाटर में उसको चेक कीजिए कि उसका सर्वाइवल कैसा है, अगर कोई भी मोर्टेलिटी नहीं होती तो ये एक अच्छा आपका सीड है जिसे आप ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो इतनी सैलिनिटी के वेरिएशन को भी झेल रहा है, और नहीं, जनरली मतलब जिस पैकेट में वो आएगा हाँ उसके अंदर उसी में फ्रेश वाटर मिलाना है, हाफ उतनी क्वांटिटी का। उतनी ही क्वांटिटी का, क्योंकि ये जनरली हमारे उस टाइम के टेस्ट हैं कि जब हम बच्चा खरीदने वाले हैं, क्योंकि अब तो बच्चा हमारे पास आ गया है, अब तो हमें जो वाटर के बैग के अंदर का पानी है, जो उसके पैरामीटर हैं, वो ही सेम पैरामीटर अपने वाटर टैंक में उसको देना है, तभी वो सरवाइव करेगा। अगर उसमें 1-2 डिग्री का भी वेरिएशन हुआ तो सर्वाइवल कम जाएगा। तो ऐसे कैसे करते हैं, मतलब मेरे को तो इट्स काइंड ऑफ हार्ड टू इमेजिन कि ये बाय हाँ, एयर तो ही आएगा। बाय एयर आएगा, तो अब की बार तो जो हमारा है वो ट्रस्टेड सोर्स है, जहां तक आज तक हम लेते रहे हैं उन्हीं से मंगाएंगे, पर आपको अब की बार हम आपके फार्म पे वो मैनिपुलेशन दे देंगे कि अगली बार जब आप हैचरी पे जाएंगे, किसी हैचरी पे विजिट किया, कहीं पे देखा, कहीं नर्सरी में देखा, तो आप कैसे ऑब्जर्व करेंगे कि वो बच्चा हेल्दी है या नहीं हेल्दी है। नहीं, वो ठीक है। जैसे जैसे सपोज करिए हमने रिसीव कर लिया आज हमारा पीएल, हाँ, तो वो तो एक वाटर बैग के अंदर आएंगे, वाटर बैग के अंदर आएंगे, उस वाटर बैग का सैलिनिटी भी अलग होगा, उसका पीएच भी अलग होगा, वो उसके हिसाब से होगा। राइट, वो ही एनवायरनमेंट हमें क्रिएट करना है हमारे नर्सरी के अंदर। वो ही एनवायरनमेंट हमें क्रिएट करना है अपनी नर्सरी के अंदर। तो उस वाटर जो ये जिस जिस कंडीशन में आया है, जिस टेम्परेचर में ये है, ये हमें पता कैसे चलेगा कि इसका ये है, कि कुछ डॉक्यूमेंट नहीं, करके देंगे? अभी हमने सबसे पहले अपने वीडियो में पढ़ा था कि हमारे कुछ ऑप्टिमम पैरामीटर्स हैं वाटर के। मतलब अच्छा, उस ऑप्टिमम में ले आएंगे तो उसके लिए एकदम हाँ, सर्वाइवल है। वो सर्वाइवल है। पानी का जो ठीक है। टेम्परेचर है वो तो वेरिएशन होगा, पर जब हम उन बैग्स को अपने टैंक में रखेंगे आधा घंटा तो वो मैनेज हो जाएगा। अच्छा, मतलब उसको एक बार उसके अंदर फ्लोट करेंगे। राइट, इस तरह से आपके आएंगे और इस तरह से आप उनको टैंक्स में रख देंगे। ये तो ओपन टैंक है, हमारा नर्सरी टैंक होगा, तो वहां पर इनको 15 मिनट आधा घंटा तक रख देंगे। ठीक है ना? कूलेस्ट पार्ट ऑफ द डे। हाँ, मतलब अर्ली मॉर्निंग, लेट नाइट, पर हमारा तो कवर्ड है, अंदर है सब कुछ, तो हमारा तो थ्रू आउट डे आप कभी भी स्टॉकिंग कर सकते हैं। वो नहीं है आपको कि दोपहर हो गई है आप नहीं कर सकते, ठीक इसीलिए है। हम अपनी नर्सरी को एकदम ऑप्टिमम बना रहे हैं। वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ये करेंगे करेंगे, ठीक है ना? ठीक है। एरिएशन ऑलरेडी हम बहुत सारा वर्क इस पे कर चुके हैं, ये मेंटेन हमें करके रखना रखना है। ठीक है। ठीक है, जनरल मैनेजमेंट जो रहेगा, चेक द हेल्थ कंडीशन ऑफ श्रिम्प एवरीडे, नर्सरी में आप इजीली देख सकते हो क्योंकि छोटा एरिया है। मेंटेन ऑप्टिमम वाटर एंड सॉइल क्वालिटी, वाटर क्वालिटी कंसीडर करना है। रेगुलर अप्लाई वाटर एंड सॉइल प्रोबायोटिक, हमारा बायोफ्लॉक है तो ऑलरेडी वो रहेगा रहेगा। चेक द पॉन्ड बॉटम सॉइल वंस इन ए वीक, जो बॉटम है नीचे टैंक का वो हमें मेजर करना है, क्योंकि वहीं से आपका हाइड्रोजन सल्फाइड और अमोनिया बनेंगे बनेंगे। ठीक है, यूज सेपरेट कास्ट नेट फॉर एवरी पॉन्ड, तो जो एक पॉन्ड का नेटिंग है वो दूसरे पॉन्ड में यूज नहीं करनी है फॉर द गुड बायो सिक्योरिटी। ठीक है। यूज सेपरेट कंटेनर फॉर एवरी पॉन्ड, अगर कोई केमिकल हम एक पॉन्ड में मिक्स करके डाल रहे हैं तो सेम हमें दूसरे में यूज नहीं करना है,
करना है तो उसको चूने से, फॉर्मलिन से, पोटेशियम परमैंगनेट से डिसइंफेक्ट करना है, देन यूज करना है। रिमूव ठीक है डेड श्रिम्प फ्रॉम पॉन्ड, बहुत मुश्किल होता है अपना डेड श्रिम्प पॉन्ड से हटाना, क्योंकि जैसे ही मरते हैं उसके पड़ोसी पड़ोसी उसको खा जाते हैं, तो ये रिमूव करना क्यों जरूरी है जब खाई जाते हैं तो? क्योंकि जितनी देर वो पड़ा रहेगा उतनी ज़्यादा बीमारी के चांसेस हैं। सड़ेगा, शायद 2 घंटे ना खाए, 4 घंटे ना खाए तो सड़ने लगता है, सड़ने के बाद पैथोजेंस वगैरह आने लगते हैं, तो वो डिजीज कैरिंग आ जाता है उसका। तो इसलिए तो जो ये नर्सरी टाइप का, मरने के बाद में फ्लोट करते हैं या नीचे जाएंगे? नहीं, श्रिम्प में बहुत कम है, पर आपका एरिएशन बहुत ज़्यादा रहेगा तो एरिएशन की वजह से वो बार बार ऊपर आते रहेंगे, अच्छा तो उनको आप अपना चलनी वगैरह से निकाल सकते हैं, वो बताएंगे उसमें आपको। फीड ठीक है ठीक है। मैनेजमेंट का एक अलग से टॉपिक लेंगे हम आपका, ठीक है ना, क्योंकि ये डिटेल टॉपिक है अपना, कि कैसे कैसे करना है आपका, होम मेड फीड कैसे बनाना है, कमर्शियल फीड कैसे देना है, फीड मैनेजमेंट वगैरह पे, कि जैसे 2 से 5 ग्राम का है तो कितना डेली फीड परसेंटेज जो जाएगा, 5 से 10 ग्राम का है 3% जाएगा, 10 से 15 ग्राम का है 3 से 2.5% जाएगा, 15 से 20 ग्राम का है 2.5 से 2% जाएगा, 20 से 35 ग्राम का है तो 2% जाएगा, किस किस तरह से देना है, ब्रॉडकास्टिंग फीडिंग है आपकी, राफ्ट पे खड़े होके दे सकते हैं, या बोट वगैरह जो बनाई है जो लेनी है उसके थ्रू भी आप पूरे पॉन्ड में, और जब भी फीड दें तो अपना एरिएशन सिस्टम 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट के लिए बंद कर दें, जिससे हम उसकी फीडिंग नेचर को ऑब्जर्व कर सकें। मैनेजमेंट का एक अलग से आपका टॉपिक लेना है, कि कैसे कैसे मेंटेन करेंगे, डायग्नोस कैसे करेंगे उन चीज़ों को, और एक बहुत लंबी कॉमन डिजीज है, सिम्टम्स हैं, एक पूरा वीडियो आपका इस पे देंगे आपको, कि मोर्टेलिटी आ रही है, कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो कैसे उनको आइडेंटिफाई करेंगे, कि कौन सा रिलेट है कौन सा रिलेट नहीं कर रहा है, वाइट स्पॉट डिजीज मेजर है, तो जब आपका बच्चा आता है तो जब पैथोजन फ्री टेस्ट वगैरह होके आएगा, पीसीआर टेस्ट होके आएगा, तो रनिंग मोर्टेलिटी सिंड्रोम है कि पहले हफ्ते में बच्चा डाला, सारे का सारा बच्चा मर गया, अर्ली मोर्टेलिटी सिंड्रोम उसको बोलते हैं, वाइब्रोसिस करके है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये भी बॉडी क्रैम्प है, वाइट मसल्स है, वाइट फेशियल मैटर है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, कि आज मोटा मोटा सा मैंने आपको दे दिया कि हम आगे किस तरह से जाने वाले हैं, जो हमारा बेस वर्क था वो कंप्लीट हो चुका है, जब तक हमारा बच्चा आना है तो हमें ये 3-4 चीज़ें अपनी कवर करनी है, क्योंकि ये नोन है, ट्रीटमेंट उनको क्या देना है, क्योंकि जब डिजीज़ आएगी तभी नहीं हमें तैयारी करनी है, हमें पहले वो करनी इश्यूज आने ही नहीं देने, है। तो हमें अपनी वाटर क्वालिटी को मेंटेन रखना है, बायो सिक्योरिटी पे वर्क करना है, और अच्छा फीडिंग उसको देना है, 3 चीज़ें उसके पास रहेंगी तो उसको बीमारी आएगी ही नहीं, बीमारी आई तो लॉस जरूर देके जाएगी। तो ये जो ट्रीटमेंट हम देना है ये तो सब सामान मंगा चुके हैं हम। सब सामान हमारे पास आ चुका है, बस हमें क्वालिटी कैसे मेंटेन करना है उन चीजों पर बात करना है, ठीक है। ठीक है। ये हार्वेस्ट के टाइम का है, कि किस तरह से आप हार्वेस्ट करते हैं, तो आइस के साथ में पैक कर देते हैं उसको, कि जिससे वो डीप कोल्ड हो जाए, काला पसंद नहीं किया जाता, एकदम वाइट ही रहे उसका मीट। रिकॉर्ड कीपिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कि आप मेंटेन करें शुरू के day 1 से लेके जो जो सिंगल पैसा भी आप खर्च कर रहे हैं उन सब चीज़ों को किस तरह से मेंटेन करना है, कितना अभी तक हम लगा चुके हैं, कितना आगे लगने वाला है, और कितना हमारे पास आएगा, सो दैट वी कैन मेजर अवर लॉस एंड प्रॉफिट ऑल्सो। तो आज का यही मेरा डिटेल था, आपको एक ओवरव्यू, एक रोड मैप आपका यहाँ तक देना, आगे जो हम कवर करेंगे, फर्टिलाइजेशन पार्ट कवर करेंगे, वाटर प्रिपरेशन कवर करेंगे, फीड कवर करेंगे,
डिजीज मैनेजमेंट कवर करेंगे, हाउ टू मेंटेन गुड बायो सिक्योरिटी। तो 4 से 5 सेशन मुझे आपके और लेने हैं इस पे। ठीक है ठीक है ना? ठीक है प्रसाद जी। तो और भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप बताइएगा। डाउट तो बस केमिकल्स का मैंने पता किया था, यहाँ ब्लीचिंग पाउडर मिल रहा है, अच्छा लेकिन लेकिन वो ब्लीचिंग पाउडर मेरे ख्याल से वो पेंट वेंट के लिए यूज करते हैं ना, तो वो ग्रेड का है, एग्रीकल्चर ग्रेड नहीं है वो, अच्छा 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 तो ये सारा अपने को आपको अरेंज करके देना पड़ेगा। चलो, तो आज मैं बात कर लेता हूँ, फिर शाम ठीक तक है इसको क्लोज करते हैं, ठीक है ना? हाँ ठीक है ठीक है और अभिषेक जी, वो प्लीज़ आप अपने अकाउंट वाले बंदे से एक बार चेक कर लीजिएगा, हाँ। नहीं वो कर देगा अभी थोड़ी देर में, तो या तो कर दिया होगा या कर देगा। कोई इशू नहीं है। ठीक है ठीक है, नेक्स्ट सेशन के लिए मैं बताऊंगा कि ये कब रखना है फिर, या ठीक आप है प्रसाद बता जी देना अपने टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है ठीक है प्रसाद जी ठीक है, ओके। ओके।